यूपी में हो रहे एनकाउंटर को लेकर पहले से ही योगी सरकार की पुलिस सवालों में घिरी है और अब अमन हत्याकांड के मुद्दे पर लखनऊ पुलिस फंसती नजर आ रही है। मायावती और चंद्रशेखर आजाद के इस मामले को जोर शोर से उठाने और परिजनों के सड़क पर हल्ला बोलने के बाद मामले में पहला एक्शन हो गया है, वो ये कि तीन पुलिस कर्मियों पर जांच की आंच आ गई है। जी हां, शैलेंद्र सिंह समेत तीन पुलिस कर्मियों पर FIR दर्ज हो गई है। लखनऊ पुलिस ने इस मामले में चार धाराओं में FIR दर्ज की है, जिसमें धारा 105 गैर इरादतन हत्या, धारा 352 जानबूझकर किसी व्यक्ति का अपमान करके उसे हिंसा या आपराधिक गतिविधियों के लिए उकसाने की कोशिश करना, SC/ST 3(1) द और SC/ST 3(2) वी के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये FIR देर रात करीब 1 बजे दर्ज की गई है। दरअसल बीते शुक्रवार 11 अक्टूबर 2024 को विकासनगर के सेक्टर 8 में बने अंबेडकर पार्क में पुलिस ने जुआ खेलने की सूचना मिलने पर छापा मारा था। यहां से पुलिस ने अमन गौतम समेत 2 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा था। अधिकारी ने बताया कि पुलिस थाने ले जाते वक्त अमन की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। इनको पूछताछ के लिए वाहन पर बैठाया गया। इसी दौरान अमन गौतम की हालत बिगड़ने लगी, जिसको देखते हुए तत्काल PRV कर्मियों द्वारा उसे इलाज हेतु चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। जबकि अमन की बहन ने आरोप लगाया है कि सारे आरोपी भाग निकले तो पुलिस ने उनके भाई को पकड़ लिया और गाड़ी में इतना मारा कि उसकी जान चली गई। जब सारे मुजरिम भाग गए, उनके हाथों में कोई नहीं आया, तो मेरे भाई को उस लड़के को उन लोगों ने उठा लिया, पुलिस वालों ने ठीक है, और उसको भाई को पकड़ के लेते हुए जीप तक गए। जीप के अंदर ऐसा क्या उसके साथ क्या हादसा कि मेरा भाई ऑन स्पॉट वहाँ खत्म हो गया। मेरा भाई में ले जाते ही भाई आपका खत्म, जीप में ले जाते ही खत्म हो गया, और उसको मारा पीटा गया है। वहाँ के आसपास के बच्चों ने भी ये बात बोली है। वहीं अमन की मौत के बाद परिजनों में काफी गुस्सा है। उन्होंने सैकड़ों लोगों के साथ इलाके में जोरदार प्रदर्शन किया। थाने के बाहर परिजन रात में ही धरने पर बैठ गए। इसके अलावा उन्होंने दिन में सड़क जाम करके पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस पूरे मामले में अमन की पत्नी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाने के साथ ही अपने लिए सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग की है। सब गलत है, कुछ नहीं, क्योंकि जब सारी चीजें मेरे सामने हो रही हैं, सब कुछ गलत है, तो ये रिपोर्ट्स क्या है, तो वो भी तो बना के दे देंगे मुझे। अब सर बताइए, हम तो कोई जॉब भी नहीं करते सर, मैं यही चाहती हूँ कि सर मुझे कोई जॉब मिले सरकारी, ताकि मैं अपने बेटे का खर्चा चला सकूँ उसको, और सर कोई मुआवजा मिले, क्योंकि सर मेरे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है कि सर मैं क्या करूँ उसका। आला अधिकारियों ने अमन के परिजनों की एक मांग तो पूरी कर दी, लेकिन सवाल ये है कि क्या योगी सरकार पीड़ित परिजनों को मुआवजा देगी, और जिन पुलिसकर्मियों पर अमन की हत्या का आरोप लगा है, अगर वो सच में दोषी हैं, तो क्या उनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई होगी या सिर्फ सस्पेंड और FIR होने से ही मामले को निपटा दिया जाएगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।